हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपको स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी प्लास्टिक को यूज़ करने से या फिर कौन से केमिकल को प्लास्टिक में यूज़ करने से कौन कौन सी बीमारियां बनती हैं और किस तरह हमें इस प्लास्टिक की जो बीमारियाँ जनरेट हो रही हैं उसको हमने कैसे अपनी डेली लाइफ में उसे एक्सेप्ट किया है और एक पार्ट ऑफ लाइफ को बना लिया है और इस पूरे साइकिल से इसका क्या मोटिव निकलता है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलो टॉपिक पर आते हैं। बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ में सुबह सोने से उठने से लेने के तक रात को सोने तक हमारी मोर देन हमारी 70% लाइफ हमारी प्लास्टिक से कवर्ड है और हमारे हर चीज़ का एप्लीकेशन अलग अलग है और डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक को यूज़ करते हैं पर डे। वैसे ही जैसे प्लास्टिक डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर एक प्लास्टिक की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी टेंडेंसी होती है डिफरेंट डिफरेंट तरह की बीमारी को जनरेट करने की। आज उन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी प्लास्टिक से और बहुत तरह की बीमारियाँ हैं, उनमें से कुछ मैंने एक सॉर्ट आउट करके कुछ बेसिक सा बताया आपको, चलिए उसको समझते हैं। वो बीमारी को मैंने बताया जो बेसिकली अभी सबसे ज़्यादा करंट में ट्रेंड में है और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टायरीन। स्टायरीन की फैमिली की प्लास्टिक्स होती हैं, यानी कि बहुत सारी प्लास्टिक्स होती हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ABS प्लास्टिक्स, HIPS, GPPS, ये सारी की सारी पॉलीस्टायरीन हैं। ये स्टायरीन फैमिली की प्लास्टिक्स होती हैं। ये वो प्लास्टिक्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आपके जितने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बॉडियां हैं उनकी आउटर बॉडी, आपके AC का रिमोट, आपकी TV, टेलीविज़न, प्रिंटर, कंप्यूटर, ये सारे के सारी चीज़ें आपके ABS प्लास्टिक से बनती हैं और उनका एक स्टायरीन फैमिली होती है। उन स्टायरीन फैमिली में स्टायरीन गैस होती है और जब वो गैस या फिर जो भी प्लास्टिक जब वो स्टार्ट होती है डिग्रेड होना या फिर मल्टीपल पार्टिकल में स्प्लिट होती है तो बहुत सारी गैसेस को इवॉल्व करती है। जो स्टायरीन गैस जो होती है हमारी बॉडी में एब्जॉर्बेबल होती है, उन्हें हम एब्जॉर्ब करते हैं। और मैंने स्टायरीन गैस के बारे में बहुत डीपली बताया हुआ, ऊपर आई बटन दिख रहा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह स्टायरीन गैस हमें अब्जॉर्ब करने के बाद वो कैसे कैसे अपने निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर इम्पैक्टफुल करती है और किस तरह हम उसमें हंट होते हैं पर डे। वैसे ही जब स्टायरीन गैस इवॉल्व होती है तो कुछ बीमारियाँ जनरेट होती हैं, एक नॉर्मल सी बीमारियाँ जो बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे अब स्प्रेड हो चुकी हैं, जैसे कि आपकी स्किन एलर्जी होना, इजीली स्किन खाज, खुजली, दांत होना या फिर जरा सी कोई भी चीज़ हो जाना। तो स्किन एलर्जी बहुत जल्दी होने लगती है, आईसाइड हमारे कम्प्लीटली वीक हो जाते हैं, जो 90% आप हर जगह हर एक आप चौथे इंसान के अंदर चश्मा पहनता हुआ देख सकते हैं या फिर वो लेंसेज का यूज़ करता है। छोटे छोटे बच्चे 8-9 साल के, 5-6 साल के बच्चों के आईसाइड वीक हो जाती हैं। वो किस लिए होती हैं? उनके खाने की कमी से, किसी बीमारी से नहीं होती है, उन वो भी एक रीज़न है, बट सबसे बड़ा जो वॉस्ट मेजर रीज़न है कि वो इन्वायरमेंट इस तरह की चीज़ों को गेट कर रहे हैं बाय पेरेंट्स के थ्रू, जब वो बर्थ में थे, चाइल्डहुड पेट में थे, बाहर निकलने के बाद जैसे इस एनवायरनमेंट में आने के बाद वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, वो गैसेस जो लंबे समय तक एग्जिस्ट रहती हुई हमारे लॉन्ग पीरियड टर्म ऑफ टाइम में, जैसे हम खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, कई तरह के थ्रू, हमारे सी फूड के थ्रू उसे कंज्यूम करते हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर स्टोर करती है, तब ये बीमारियाँ डेवलप होती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करती है, धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करने लगती है। वो कुछ इस तरह की बीमारी जनरेट करती है हमारी स्टायरीन प्लास्टिक। अब आता है मीथेन प्लास्टिक। मीथेन एक्चुअली गैस होती है, ये ऑल ओवर जितनी भी आपके लो पर्पज़ ग्रेड की प्लास्टिक्स होती हैं, लाइक आपका कवर होना, ग्लव्स होना, चम्मच, कटोरी या पैकेजिंग प्रोडक्ट होना, जितने प्लास्टिक के पैकेजिंग प्रोडक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ वो हमारे जब भी डिग्रेड होना स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट ओपनली, जब वो स्टार्ट होते हैं डिग्रेड होना, तो वो मीथेन गैस को इवॉल्व करते हैं। और जो मीथेन गैस जब इवॉल्व होती है तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती हैं, उनमें से मैं एक ऐसी मेजर चीज़ें बताता हूँ मैं आपको जो हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट करती ही करती हैं। सबसे पहले हेडेक होना, सरदर्द होना एक बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, जरा जरा सी बात पे स्ट्रेस का आना, स्ट्रेस ले लेना, छोटे छोटे बच्चों को सरदर्द होना, इतनी एक्सपेंसिव दवाई, इतनी हाई डोज की दवाइयाँ लेने लगते हैं कि वो एक ड्रग एडिक्टेड की तरह भी लेने लगते हैं, तो ये बहुत निगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद आता है मेमोरी लॉस होना। आप मोस्ट ऑफ देख सकते हैं हमें अब ज़्यादातर ऐसा होता है छोटे छोटे बच्चों में एक लंबे समय तक चीज़ें याद नहीं रहती या फिर उनके दिमाग में इजीली कोई भी चीज़ नहीं जाती है, बहुत प्रेशर और एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं ये बच्चा पढ़ने में वीक है। एक ये भी रीज़न है कि कई हद तक हमारी मेमोरी लॉस होने के ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं जो कहीं ना कहीं तक हमारे फ्यूचर जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर रही है। इनफैक्ट अब हमें भी कुछ लंबे समय तक कोई चीज़ याद नहीं रहती है नॉर्मली, हाँ सबको नहीं होती, काउंटेबल लोग हैं जिनको ये सब प्रॉब्लम इशू हो रहे हैं, और इन सबको आप डेली लाइफ में अपने आस पड़ोस, दोस्त, फ्रेंड्स, कलीग्स, सब किसी के अभी ये चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं जितनी मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अब बात आती है PVC प्लास्टिक। PVC प्लास्टिक हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज इन प्लास्टिक है, भले आप मेडिकल इक्विपमेंट्स के ले लो, चाहे फर्टिलाइजर के रूप में देख लो, या फिर आपको हमारी डेली लाइफ में यूज़ देख लो, डेली पर्पस के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, एरोस्पेस के लिए, कहीं भी चले जाओ, मोर देन हमारी जितनी प्लास्टिक से हमारी सबसे ज़्यादा PVC प्लास्टिक यूज़ करते हैं। हमारे घरों में पाइप बनते हैं PVC प्लास्टिक के, पैकेजिंग होती है PVC प्लास्टिक की,
टॉयज बनते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो पीवीसी प्लास्टिक से बनती है, जिससे सबसे ज़्यादा बीमारी जो होती है हमारी होती है कैंसर का। आजकल आप देख रहे हैं कैंसर के रेट सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो लोग भी कैंसर हो रहा है जिन्होंने कभी अल्कोहल या कभी टबैको कंज्यूम कभी नहीं किया, उनको भी स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, कई तरह के ब्रेस्ट कैंसर, कई तरह के कैंसर हो रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? खाना पीना तो है, साथ ही साथ कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट से मिलता है। इन्वायरमेंट से कैसे मिलता है? जब इन प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जाता या ओवर कंजप्शन ऑफ यूजेस होने लगता है, तब उसके बाद ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, तब बीमारियाँ बनती हैं। तो कैंसर का रीज़न बहुत सारे हैं, बट उनमें से एक रीज़न ये भी है, सबसे बड़ा जो मेजर रूप लेकर करंट में जो सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा है उनका एक यही रीज़न है कि टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक केमिकल्स, फ्यूम्स, ये सारे इविक्ट होते हैं प्लास्टिक में से, और वो सब डिस्पर्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, और हम उसको कहीं ना किसी तरह से कंज्यूम करते हैं खाने के थ्रू, पीने के थ्रू, सांस लेने के थ्रू, कहीं हद तक कैसे भी कैसे कर लेते हैं। फिर आता है हमें स्किन बर्न, स्किन बर्न होने लगती है, स्किन में रैशेस होने लगते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है पीवीसी प्लास्टिक का। हालांकि अब धूप में निकलते वैसे भी स्किन बर्न होती है, बट ये भी एक रीज़न है। अब बात आता है थैलेट का। थैलेट क्या है? बेसिकली थैलेट एक प्लास्टिसाइजर केमिकल होता है, एक एसिड से बनता है, वो ये हम मोस्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक के अंदर मिलाते हैं जो प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल और ऐसे कुछ इस जैसे मान के चलिए प्लास्टिक के कुछ इस तरह बेंड करने के बाद वापस रिगेन कर जाती है, तो ये प्रॉपर्टी डालने के लिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम थैलेट केमिकल का यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा निगेटिव है मेनली बॉयज़ के लिए। मोस्ट ऑफ आप देख रहे हैं जो हमारा इंटीमेशन की पीरियड होता है वो काफ़ी लॉन्ग नहीं हो पाता, बहुत शॉर्ट टर्म होने लगता है, या फिर हमारा ओरिएंटेशन नहीं होने लगती है, या फिर कुछ टाइम के बाद हमारी सेक्स करने की जो इच्छा होती है वो ख़त्म होने लगती है, इंटरेस्ट नहीं आता, जिसके लिए हम पिल्स के लिए, वाइगरा के लिए, इन सब का यूज़ करते हैं, और इन सब के प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद तब हम वो कंडीशन डेवलप करते हैं अपने अंदर, या फिर सेक्स हार्मोन डेवलप नहीं हो पाते। तो थायराइड जो होता है जब भी वो डिग्रेड होना स्टार्ट करता है वो सेक्स हार्मोन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। मेनली मेल के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, मेल्स के सेक्स हार्मोन को, उनके टेस्टिस को डिस्ट्रॉय करता है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बेसिकली हर तरह के थैलेट में नहीं होता, कुछ ही काउंटेबल थैलेट्स हैं जो इस समय यूज़ किए जाते हैं, और वो थैलेट क्या है मैंने वो भी सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई बटन दिख रहा है जाके देख सकते हैं कि थैलेट क्या होता है, कौन से थैलेट कब और कितने कहाँ का कैसे कैसे यूज़ करने चाहिए। लास्ट वन हमारा आता है बीपीओ बीपीएस, यानी कि ये एक तरह का इसको कहते हैं बिसफिनॉल ए या बिसफिनॉल एस। तो ये हमारे बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो बहुत टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, ये हम मोस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक जहाँ पर कांच को रिप्लेस करती है प्लास्टिक जो कम्प्लीट ट्रांसपेरेंट होती है, पी एस सी से हम कहते हैं, पी सी प्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट। ये आपके ग्लास की जगह पे मिरर विंडो में और मिरर में बनाने में यूज़ किए जाते हैं, और आपके ट्रांसपेरेंट ग्लास, दरवाजे, डोर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। ये जो प्लास्टिक होती है इसके अंदर बी पी एस डालते हैं ताकि इसकी स्टेबिलिटी, हार्डनेस, रिजिडिटी बनाए रखे, वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी देने के लिए ये केमिकल यूज़ करते हैं। हालांकि ये जो केमिकल्स हैं, ये जो पहले क्या था, बच्चों के टॉयज़ और उनके खाने पीने के जो प्रोडक्ट बनते थे कंटेनर वगैरह उनमें डलता था, लेकिन ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया, जिसके बाद हम इसे सिर्फ मेजर एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। बीपी और बीपीएस से हमारी होने वाली कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, जैसे कि आपके ब्रेस्ट कैंसर होना, इनफर्टिलिटी का यूज़ होना। ये क्या होता है बेसिकली, ये जो केमिकल होता है मेनली फीमेल बॉडी को अटैक करता है और उनके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है, और उनको ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात इनफर्टिलिटी को जनरेट करता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो ये भी कहीं तक रीज़न है, हालांकि बहुत सारी कमियां होती हैं जिससे चीज़ें नहीं हो पाती, बट हर बार फीमेल्स में या बॉयज़ में कमी नहीं होती है, कभी कभी एनवायरनमेंट से चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है। आजकल आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ वुमेंस है वो माँ नहीं बन पाती, उन्हें IVF के थ्रू ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट कहीं कहीं तक ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये हमारे पर डिपेंड करती हैं और हमसे ही चालू हुई हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह की चीज़ें हैं, और ये जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये सारी की सारी हमारे डेली लाइफ में आप पर डे देखते हैं हर एक चौथे दूसरे इंसान में। तो प्लीज़ जितना हो सके प्लास्टिक को रीयूज़ करिए, जितना हो सके प्लास्टिक को लिमिटेड ही यूज़ करिए, ताकि अपने एनवायरनमेंट को हम बचा सके और अपनी फ्यूचर जनरेशन को, क्योंकि आज हम सर्वाइव कर रहे हैं इस कंडीशन में इससे पीड़ित होने के बाद, बट बाय बर्थ हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये बीमारियाँ सब मिलेंगी और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट शो करेगी। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।